गांव बकालपुर के रहवासी हैं, वहाँ जो वडेरा है हमें गांव खाली करवा रहा है और हमें तंग कर रहा है, तरह तरह के बंदे लेके आता है, वो कभी क्या बताते हैं कभी क्या बताते हैं, वो उनका यही मौक़िफ़ है कि भैया तुम इस गांव से टप्पड़ उठाओ, ठीक है ना। वो अभी भी हमारा कोर्ट में पेशी भी है और केस चल रहा है उसका भी, हमारा भी, हम लोगों के ऊपर उन्होंने केस किया है कि भाई हम से लड़ेंगे, हम गरीब मिस्किन बंदे हैं, हम अपने गुजारा करें या इन वडेरों से लड़ें, लेकिन हम 50 साल से बैठे हुए हैं, को अभी के बैठे हुए नहीं हैं। वो कहता है हमारी ज़मीन है खाली करो, हमारी ज़मीन है ये खाली करो, और ये जो घर बने हुए हैं पक्के घर बने हुए हैं, हाँ पुराना गांव है, 1947 से जब पाकिस्तान बना था जब से बकालपुर का गांव है। अभी वो कह रहा है कि हमारा ये ज़मीन हमारी है और आप ज़मीन से उठ जाओ। अब गरीब मिस्किन बंदा, आपको पता है महंगाई का दौर है, कैसे उठ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। पक्के घर हैं, गैस भी लगा हुआ है और बिजली भी है हमारे गांव में, पक्की घर 200 तकरीबन 100-200 घर हो जाएंगे, और इनका यही मौक़िफ़ है कि भाई इनको टप्पड़ उठा में तंग कर रहे हैं, रोज़ तरह तरह के बंदे लेके आते हैं। अब वो कभी वो एजेंसी के बता रहे हैं कभी क्या बता रहे हैं, हम लोग तो भाई गांव के, हमको क्या पता भाई। हाँ वो जो एक काली गाड़ी आती है उसके ऊपर पुलिस का वो जो होता है अपना ये बत्ती लगी होती है ऊपर, और बस वो दिखाते हैं हमें। फिर हमारा भाई ये चक्की पे बैठा होता है, उसको मौलाना टाइप का बंदा है, उसको बोलते हैं कोरे कागज़ पर सही करो। उसने बोला भाई मैं क्यों सही करूं, नहीं भाई आपको सही करनी होगी। ये दूसरे तीसरे दिन इनका ये ड्रामा है, और हम गरीब बंदे हम क्या करें, इनसे लड़ तो नहीं सकते हैं हम, किसी आला हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि आला ऑफिसर को भाई हमारी मिन्नत है कि हम हमारी इन लोगों से जान छुड़ावे। लेकिन ये आगे जब वो चक्की वाले को उठा रहे थे बच्चे, हम तो सारे गाँव वाले गए, तो भी आप वीडियो भरे, आप कौन से एजेंसी के बंदे हो, क्यों बंदे उठा रहे हो, तो जब वीडियो हमने नहीं बनने देंगे, लड़कों से लड़े हमने वीडियो भरी उनकी, उनके बाद वो बंदा छुड़ा दिया हमने, उठा रहे थे लड़का छुड़ा दिया हमने, फिर वो भागने लगे, लेकिन लड़के से लड़े भी थे और बंदे को उठा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे की पोती भी लाश पर घर पर पड़ा था, लेकिन मैं उसी वजह गया उधर, भाई आप कैसे उठा रहे हो, कोई सबूत दो, आप एजेंसी भाई, वो बोला हम एजेंसी के बंदे हैं, एजेंसी के बंदे हैं, अब वो उठा रहे थे बंदे को, चेक की चला था उनको, मैं अचल गया गाड़ी देख के, गाड़ी में बच्ची लगी थी गवर्नमेंट की, बाकी प्लेट जो है प्राइवेट थी, बोले हम गवर्नमेंट के एजेंसी के बंदे हम उठे, भाई आप इसका नाम ही नहीं है, जिसका नाम है आप कार्रवाई करो उनके नाम पर करो, या कोई सबूत लेके आओ, हम अपने वीडियो पर लड़कों से लड़े उसको उठा रहे हमने गाँव वाले आगे। आपको लगा वो एजेंसी के बंदे नहीं है, एजेंसी के बंदे नहीं है, वो कई कामरान खानजादा है, दूसरा नाम है आसफ आकब, वो कायम खानी है, वो दो बंदे पहचाने, बाकी तीन बंदे हमें नहीं पहचाने, वो अल्लाह ने के उत्ताक में गए रोटी खाई है, लेकिन एजेंसी का बंदा कौन सा भी गवर्नमेंट का बंदा किसी वडेरे के उत्ताक पे रोटी नहीं खाएगा, जो भी जिसके नाम में होगा वो उसको जाके उठाएगा, वहाँ जाके रोटी खाई है। हम उस दिन हमारी तारीख थी 16 तारीख को कोर्ट में, हम यहाँ से वहाँ ये 11 बजे बैठे शाम को आए, 15 तारीख वहाँ रोटी खाई है, और उधर बैठे रहे जब तक वो रोटी, वो भी इधर से हलाने वाले भी वहाँ रोटी खा के बैठ बंदे को उठा रहे थे, भाई किसके कहने पे उठा रहे, क्या कहना, हमारे किससे ताल्लुक नहीं है भाई, वडेरा शाही ये कह रहे थे भाई गांव खाली करो, हम गरीब आदमी के 100 साल से बैठे हुए, गवर्नमेंट का प्लाट है, गवर्नमेंट का प्लाट है, नक्शे में भी गवर्नमेंट का प्लाट है, वो वडेरा शाही करके हमें उठा रहे, भाई उठाओ टमाटर खा लो मेरी ज़मीन है, और केस चला है कोर्ट में, आज भी तारीख थी, लेकिन ऐसे ऐसे बंदे भेज रहे तो भाई गाँव खाली करो, प्रेशर दे रहा है, ये जो भी ऑफिसर है उनको हमें एहतियात किया जाए, हमें उसे पॉलिसी जाए, ये था हमें वजीर अजम के जो भी इदारा है गवर्नमेंट का उनको ये हमारा अर्ज कर रहे हैं उनको, तो उनको रोका जाए, कौन से इदारे के हैं उनको गवर्नमेंट रोके, हम तो गरीब आदमी नहीं रोक सकते, दरख्वास्त है गवर्नमेंट का इदारा जो भी है उनसे ये दरख्वास्त है हमें गरीबों को ताबूत दिया जाए। हम गोट बकाल गोटे के हैं रहवासी, गोट की जो एराजी है 10 एकड़, 10.5 एकड़ है, 10 एकड़ 30 घंटे, ठीक है ना। उस दिन ये जो ये आए थे आदमी एजेंसी के, उधर बता रहे हैं कि हम एजेंसी के आदमी हैं, पहले आए थे 14 तारीख को, उसके बाद आए थे 15 तारीख को, उसके बाद 16 तारीख को आएंगे,
फिर 16 तारीख जब ये उस चक्की पे आए थे वो बंदा था, उसको चक्की बंद करवाई इन्होंने, बंद ये चक्की बंद करो, चक्की बंद की। उसके बाद जो है उससे बात की, एक सफ़ेद पन्ना लेके आया, इस पे तुम जो है साइन करो। तो उस बंदे ने साइन नहीं की तो उसको पकड़ने की कोशिश की और गाड़ी में लेके जाने की कोशिश की, तो गांव वाले आ गए। उसको जो है गाँव आए तो उधर कुछ झगड़ा हो गया, फिर ये जो है भागने लगे। ये 5 बंदे थे जिसमें जो है 2 बंदे हमने पहचाने थे, जिसका एक नाम है आकब कायम खानी और दूसरे का नाम है कामरान खान दादा, ठीक है ना। उसके बाद जो ये 2 दिन जो 15 तारीख या 16 तारीख वो गए थे ना, वो बडेरा उधर गांव का उसके उताक में गए थे। यही बंदे थे क्या कह रहे थे ये बंदे? यही कहने लगे थे कि हम एजेंसी के आदमी हैं, एजेंसी आए हैं, आपके ऊपर दरख्वास्त हुई है, जो उसमें जो 8-10 नाम थे उसमें जो तुम इंडिया से माल लेते हो, स्मगलिंग करते हो तुम, उसमें जो है आप उधर से माल लेके आते हो और इधर सप्लाई करते हो। दरख्वास्त हुई है हमारे पास, तुम्हारी दरख्वास्त आई है तुम्हारे नाम पे, जो हम इसी वजह से आपके पास आए हैं। हम मुतालबा ये करते हैं आला इदारों को, पहले वज़ीर आज़म और सिंध IG DIG SP साहब को, ये हम गुजारिश करते हैं कि हमारे से इंसाफ किया जाए।